तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिसी के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नया तो या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे लोग एक साथ लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। जोरो सोच रहा होता है कि आखिर में ये लोग यहाँ पर करके आ रहे हैं, और वहाँ पर सूचना कहता है कि जोरो क्यों तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों बोला। जोरो कहता है कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला है। कॉस्मोस कहती है कि तुमने मुझसे और हिनाटा दोनों से झूठ बोला है, और वहाँ पर जोरो सोचता है कि मैंने कोई भी झूठ बोला नहीं है, फिर भी मैं ऐसी मुसीबत में क्यों चला जाता हूँ। और वहाँ पर कॉस्मोस और हिमावारी कहती है कि हमने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। जोरो कहता है कि एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा बचपन का फ्रेंड है ना। और वहाँ पर जोरो हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम सब बाढ़ में जाओ, जो भी है मैं कह देता हूँ। तो सूचन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? कॉस्मोस और हिमावारी, मैंने तुम लोगों की अपनी जीप फटने तक हेल्प की थी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने मेरी अंडरवियर मेरी चड्डी बड्डी को ही मुझसे छीन लिया। मैंने तुम दोनों की हेल्प की, क्या मेरी गलती थी? मैंने हमेशा कहा था कि मैं तुम दोनों के साइड रहूंगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने मुझे कभी सुनना चाहा? तुम लोगों के लिए मैं एक अच्छा स्टूडेंट और एक बचपन का अच्छा दोस्त हूँ? नहीं, मैं तो एक मंदिर का घंटा हूँ, जिसे तुम लोगों का जब मन करता है तब तुम बजा देते हो। और वहाँ पर सूचना कहता है कि हे जोरो शांत हो जाओ। और वहाँ पर जोरो मुड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं जीत गया। तो ये कैसा था? अब मुझे बस सारी बातें सूचना को बतानी है और सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ पर पेंसी जोरो से कहती है कि ठीक है, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुमने उन दोनों की मदद के लिए सब कुछ किया है ना, तो फिर तुमने मेरी और सूचना के बीच की रोमांटिक स्टोरी को छुपाने की कोशिश क्यों की? और यहाँ पर अपने जोरो पाए के जोरो कहता है कि तुम उस बात को बीच में क्यों ला रहे हो? सूचना कहता है कि तुमने कहा था कि तुम उन दोनों के साइड हो, है ना? और वहाँ पर जोरो सोचता है कि यार ये अचानक क्या हो गया। पेंसी कहते कि जिसको भी वो रिजेक्ट करेगा वो मेरी होगी, ऐसा ही कुछ बोला था ना तूने। जोरो पेंसी के पास जाकर धीरे से बोलता है कि पेंसी मैंने अभी तक कहा का नहीं सोचा है, और ये तुम्हें कैसे पता चला? और वहाँ पर कॉस्मोस और हिमावरी जोरो पे गुस्सा थी, और वहाँ पर सूचना गुस्सा होकर जोरो को एक जोरदार पंच मारता है, और वो कहता है कि उन दोनों से तुम माफ़ी मांगो, और बेचारा जोरो दूर जाके गिरता है। सूचना कहता है कि तुम्हें उन दोनों के पास भी नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता था। जोरो कहता है कि मैं भी बनकर रहना चाहता हूँ। सूचना कहता है कि अच्छा, लेकिन हमारे बीच अब सब खत्म सा हो गया है। और वहाँ पर पेंसी जोरो से कहते हैं कि जोरो मेरे पे भरोसा रखो, और वहाँ पर सूचना जोरो को लेकर वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल में गर्ल्स जोरो के बारे में बातें कर रही होती है कि कैसे जोरो ने कॉस्मोस और हिमावारी के साथ बुरा किया था, जोरो कितना फालतू इंसान है। और वहाँ पर जोरो हमें बताता है कि उस बात को अब एक वीक हो गया है और मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी इज्जत, सब कुछ। मुझे तब पता नहीं चला था, लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में एक और लड़की भी थी और उसने हमारी बात को पूरी स्कूल में आग की तरह फैला दी, एंड अब मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ। और वहाँ पर जोरो को कॉस्मोस का मैसेज आता है कि अब तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेचारा जोरो बहुत सा अकेला सा हो गया था, बेचारे के लिए सैड फील हो रहा है। फिर वहाँ पर जोरो को पेंसी का मैसेज आता है कि लंच के टाइम पर लाइब्रेरी में आना, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा होगा। फिर उसके बाद जोरो पेंसी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर जोरो कहता है कि लो मैं आ गया, अब तुम्हारी क्या फीलिंग है? पेंसी कहते कि पहले तुम मुझे वहाँ से एक बुक ला के दो, आई एम अ कैट। जोरो कहता है कि अच्छा ठीक है, और वहाँ पर जोरो जाके बुक फाइंड करने लगता है। और तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर सूचन आता है, और वहाँ पर जोरो सोचता है कि क्या सूचन ने उस दिन से लाइब्रेरी में आना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर पेंसी सूचन से कहती कि क्या ये ठीक रहेगा तुम्हारे यहाँ पर लंच के टाइम रोज आना? सूचन कहती कि वेल आई डोंट नो, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। पेंसी कहती कि हाँ बोलो। सूचन कहते कि सुनो, तुम मुझे अगली बार प्रैक्टिस करते हुए देखने क्यों नहीं आई थी? पेंसी कहती कि सूचन सुनो, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। और भाई अपना सूचन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो पूछना चाहती हो वो पूछ सकती हो। पेंसी कहती कि तो तुमने जोरो को धोखा देकर उसे जाल में क्यों फंसाया? और वहाँ पर जोरो सोच रहा होता है कि आखिर में क्या बोल रही है। पेंसी कहते कि तुमने हिमावारी और कॉस्मोस की फीलिंग का यूज़ करके जोरो को नीचा दिखाया है। जोरो वो नहीं है जिसने सबको धोखा दिया है, बल्कि वो तुम हो। तुम उन दोनों के साथ घुल मिल गए, वो दोनों तुम्हारे बारे में कैसा सोचते हैं, तुमको लेकर उनकी क्या फीलिंग है, और ये तुम्हें पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी तुम इस बात को लेकर अनजान बने ताकि तुम जोरो को फंसा सको, और तुमने उन दोनों को हेल्प के लिए वादा किया। तुम उनका और जोरो के बीच में दूरी बनाना चाहते थे, उनका जोरो पर से भरोसा उठाना चाहते थे, है ना? सूचन कहता है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? पेंसी कहती है कि मैं लोगों को अच्छे से रीड कर सकती हूँ। जोरो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, और वो वहाँ पर बेसबॉल की कहानी को याद करता है। पेंसी कहती है कि पिछले हफ्ते लंच का टाइम था, तो एक अच्छा मौका था तुम्हारे लिए, और तुमने वहाँ पर जोरो को फंसाने का प्लान किया। सूचन कहता है कि ऐसा है तो तुमने जोरो की साइड क्यों नहीं ली थी? पेंसी कहती है कि सच है, अगर मैं वहाँ पर ऐसा नहीं करती तो तुम आज यहाँ पर ऐसे नहीं आते।
अगर उस टाइम मैंने उसकी साइड ली होती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ। जरूर सोचते हैं कि पेंसी तुम तो कमाल की हो, तुम पहले से उस पर नज़र रख रही थी। और वहाँ पर पेंसी कहते कि मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है कि तुमने जोरो को धोखा देकर उसे क्यों फंसाया। सूजा कहता कि क्योंकि मैं जोरो से हार गया था। मिडिल स्कूल में एक लड़की ने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं उसका और जोरो का सेटिंग कराऊँ, लेकिन वो लड़की मेरे लिए। पेंसी कहती कि तो वो तुम्हारी क्रश थी है ना। और वहाँ पर सूजा गुस्से में कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जिससे वो मुझे पसंद करे, तो उसने उसको ही पसंद क्यों किया जबकि जोरो ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। मैं जानता था जोरो अपना असली रूप छुपा रहा है और ये बात मैंने उसे भी बताई, लेकिन उसने कहा कि मैं जोरो के दूसरे रूप को भी पसंद करती हूँ। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि मैं कितना स्टूपिड हो सकता हूँ, मुझे ये पता कैसे नहीं चला। और वहाँ पर सूजा कहता है कि तो पेंसी मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो। पेंसी कहती है कि हाँ तुम सही हो, मैं जोरो को लाइक करती हूँ। और वहाँ पर सूजा अचानक शॉक्ड इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं फिर एक और बार उससे हार गया, वो वही कर रहा था जो मैंने मिडिल स्कूल में किया था और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था उससे बदला लेने का। जोरो उन दोनों को ही हेल्प करने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उन दोनों ने उसे छोड़ दिया, उन्हें मैं पसंद हूँ तो वो मेरी हर बातें मानते हैं। ये कितना मज़ेदार है, वो कितने भोले हैं। और सूजन वहाँ जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पर भाई अपने जोरो का गुस्सा स्टार्ट हो रहा था। सूजन कहता है कि ठीक है पेंसी, मुझे एक बात बताओ, तुम जोरो को इतना लाइक क्यों करते हो जबकि वो एक फालतू बंदा है। पेंसी कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना जोरो का असली रूप। सूजन कहता है कि तो क्या है उसका असली फॉर्म। पेंसी कहती है कि तो हाँ, जोरो ने सिर्फ उनकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की थी बल्कि तुम्हारी भी हेल्प करने की कोशिश की थी। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि यार इस पेंसी को ये सब कुछ कैसे पता चल जाता है। पेंसी कहती है कि जोरो ने उन दोनों की हेल्प की, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में सोचता था, उसने उन दो गर्ल को धोखा भी नहीं दिया जिसकी वो परवाह करता है। जोरो ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, लेकिन तुम अभी जोरो को ही धोखा दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सूजन कहता है कि तुम जोरो को इतना ज़्यादा कैसे मान सकती हो। पेंसी कहती है कि ये पिछले साल रीजन बास्केटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के दौरान हुआ था। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि साले तेरे को भी वहाँ पर हुआ था। पेंसी कहती है कि जब मैं साउथ एग्जिट से जा रही थी तब मैंने जोरो को नॉर्थ एग्जिट पर देखा था, जोरो वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था, आग जैसी धूप में वो तुम्हारे लिए खड़ा था, वो तुम्हारा फेवरेट बना हुआ चिकन लेके खड़ा था, लोग उस पर हंसते हुए जा रहे थे लेकिन वो तुम्हारे लिए खड़ा था, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था उस टाइम, और उस टाइम मैं उसके प्यार में गिर गई। और वहाँ पर जोरो सोचता है कि जब मैं सूजा का वहाँ पर वेट कर रहा था तब एक लड़की आई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और उसके बूट्स भी बहुत बड़े थे और उससे मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। पेंसी कहते कि जोरो ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम्हारे साथ वो रहा, उसने हमेशा तुम पर भरोसा रखा और ये सब देखकर मुझे और भी ज़्यादा जोरो अच्छे लगने लगा था, यही रीज़न है कि मैं जोरो को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। सूजा कहता है कि ठीक है अब बहुत सारी बातें हो गई, तो पेंसी मुझे एक बात बताओ कि इस लंच टाइम में यहाँ पर लाइब्रेरी में कोई भी दूसरा नहीं आता है ना। पेंसी कहती है कि वेल कोई नहीं आता। तो सूजा कहता है कि ओके इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ ना। पेंसी कहती है कि तुम सही हो, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। सूजा कहता है कि ऐसा तो भागने की कोशिश मत करना। और तभी वहाँ पर जोरो बाहर निकलता है। सूजा कहता है कि जोरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोरो कहता है कि तुम कॉस्मोस और हिमावरी के बारे में सही थे, वो हंसने लायक है, वो बॉयज को यूज़ करते हैं ऐसा वो चाहते हैं, वो दया के बिल्कुल लायक नहीं है। सूजन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है ना। जोरो कहता है कि पर हमें उनकी फीलिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। सूजन कहता है कि वेल जोरो तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जोरो गुस्से में कहता है कि अब ड्रामा बंद करो, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, तुम उन पर हंस सकते हो लेकिन उनकी फीलिंग पर नहीं हंसना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें प्यार करते थे। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझसे नफरत करो ना, उन्हें बीच में लाकर उनका यूज़ क्यों कर रहे हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, समझे साले बीकेएल। और वहाँ पर सूजन डरते हुए कहता है कि हाँ 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 मैं सब कुछ समझ गया, मैं पूरी तरीके से समझ गया। और जोरो उसे छोड़ता है। जोरो कहता है कि अब उन दोनों से माफ़ी मांगो। सूजन कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई गेस मैंने गलत किया, पर जोरो अब तुम क्या करने वाले हो, मतलब जो भी अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। जोरो कहता है कि वेल जो भी अभी हो रहा है मैं उससे ठीक हूँ, ओके। सूजन कहता है कि फिर एक बार मैं तुमसे हार गया और वो वहाँ से जाता है। और वहाँ पर पेंसी कहती कि काश मैं इसे अच्छे से संभाल पाती। जोरो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नफरत करे प्यार, मैं अभी भी उन्हें नफरत करता हूँ। पेंसी कहती कि वाह मेरे प्रिंस प्यारे और मतलबी है, चाहे जो भी कहो मैं तुम्हें प्यार करती रहूँगी। जोरो कहता है कि अब चुप हो जाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पेंसी कहती कि तो क्या तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे। जोरो कहता है कि ऑब्वियसली अब नहीं आऊँगा, यहाँ पर आने का अब कोई भी रीज़न नहीं रहा है। पेंसी कहती कि पर मैं तुम्हें मिस करूँगी, क्या तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहोगे। और वापस जोरो सोचता है कि साली इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और वो कहता है कि नहीं मैं वापस नहीं आने वाला, और वो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जोरो दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने कॉस्मोस आती है
एन वो जोरो से माफ़ी मांगती है और वो वहाँ से एकदम चली जाती है। जोरो सोचता है कि उन्हें कैसे समझाया होगा और वो अपना बॉक्स खोल के देखता है तो उसके शूज एकदम साफ थे। फिर उसके बाद में क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर सब पढ़ा रहे होते हैं और वहाँ पर सूचांग खड़ा होता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी पर मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। फिर उसके बाद हमें जोरो पेंसी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेंसी को बताता है कि सूचांग ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है पूरे क्लास के सामने, वो भी अपने पैरों पर गिरकर, और उसने इससे कॉस्मोस और हिमावारी को दूर रखा। पेंसी कहती है कि वेल तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाले थे मुझसे बात करने के लिए। जोरो कहता है कि सिर्फ आज के लिए आया हूँ ओके। पेंसी कहती है कि सुनो तुम्हें नहीं पता ना कि सूचांग को मेरे पर क्रश क्यों हुए। जोरो कहता है कि क्योंकि तुमने उसे हौसला दिया था जब वो मैच हार कर एकदम सेड हो गया था। पेंसी कहती है कि क्या सच में तुमने मुझे ऐसे करते हुए देखा। मैंने अपना नाम उसे बताया था जब उसने मुझसे पूछा था। जोरो कहता है कि तो फिर क्यों। पेंसी कहती है कि रुको मैं अपनी सारी फीलिंग के साथ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। और वहाँ पर पेंसी अपने कपड़े निकालने जा रही थी। जोरो कहते कि अबे पागल हो गई हो क्या, और वो मुड़ जाता है। जोरो सोचता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी फालतू बदसूरत लड़की को बिना कपड़ों में देखना। पेंसी कहती है कि जोरो अब मैं तैयार हूँ मेरी ओर देखो। और भाई अपना जोरो पेंसी की ओर देखता है तो उसे लगता है थोर के बिजली का झटका। जोरो कहता है कि क्या ये तुम हो। और भाई जोरो जिसे प्लेटी साकुरा समझ रहा था वो तो अपनी सुना दे सामान निकली। पेंसी कहती है कि वेल बहुत टाइम के बाद मिले मे भी मैं ऐसा कह सकती हूँ ना। जोरो कहता है कि वेट क्या तुम वही लड़की हो जो उस दिन मुझे मिली थी। पेंसी कहती है कि यार मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जोरो कहता है कि अभी साली अनुपमा के रूप में अगर अंदर मियाँ खलीफा हो तो मैं कैसे पहचानूं। पेंसी कहती है कि तो जोरो अब तुमने क्या सोचा है। तो जोरो कहता है कि क्या। पेंसी कहती है कि लाइब्रेरी आओगे या फिर नहीं। जोरो कहता है कि वेल ठीक है अभी साली जोरो अच्छा रीज़न मिल गया आने का तो कैसे नहीं आएगा। जोरो कहता है कि तो क्या अब तो तुम खुश हो ना। पेंसी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जोरो कहता है कि वेल हम इतने आगे बढ़ ही गए हैं तो। और तो अभी पेंसी उसके पास आ जाती है और उसके चेहरे पर किस करती है मतलब फेस पे करती है सालो, और वो भी उन दोनों के बीच में बुक लाकर, मतलब यार उन दोनों के हार्ट के बीच में बुक लाती है पता है ना क्यों। पेंसी कहती है कि वेल जोरो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जोरो कहता है कि हाँ पर मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ। पेंसी कहती है कि मैं एक बात बताती हूँ कि ये बात नहीं बदलेगी कि मैं अभी भी तुम्हें प्यार करती हूँ। जोरो सोचता है कि वेल वो बाहर से तो एकदम परफेक्ट है। पेंसी कहती है कि याद रखना मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी अकेली हो जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। जोरो सोचता है कि क्या मैं सच में इसके प्यार में गिर भी सकता हूँ। नहीं ये कभी नहीं होगा। क्यों तुम ही एक हो जो मुझे सच में प्यार करती हो। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। अकेले अकेले मजे कभी मत लो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।